दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका खैरियत से होंगे। दोस्तों हफ्ता पहले हम अपने सेटअप के पास आते ही और हमने अपनी दाली वगैरह काली मुर्गी को जो थी अपनी डाय से आपको बताया भी था कि मुझे खाते ही बहुत कम रहती है। मैं यहाँ होता रही नॉर्थ अपनी शॉप पर, तो छोटा भाई वगैरह ने मेरा ये लाली और काली का दिन में खाना वगैरह भी खिला देता है। तो दोस्तों हमने क्या लाली और काली का अपने सेटअप पर हमने इनको दाना वगैरह भी डाला है, तो दाना वगैरह ने सारा ख़त्म कर दिया है। ये लाली और काली रोटी खाने में मस्त है, ये देखें हमने इनको डालने के बाद रोटी खा ली खिलाई है, देखे रोटी इसके मेरे ख्याल रोटी फंस गई है शायद, और ये भी रोटी खाने में फुल मस्त है। दोस्तों हमने इनको लाली और काली को नीम गर्म पानी पिलाना है हल्दी वाला, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से बीमार हो सकते हैं, सूखी हो सकते हैं। दोस्तों हमने एक पाल भी बनाया है और हम देंगे अपनी लाली और काली को, और उसके बाद अपने कबूतर वगैरह अपने बजी वगैरह सबको नीम गर्म पानी वगैरह भी पिलाएंगे। दोस्तों उसी के बाद हम चलते हैं अपने, देखते हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते क्या कर रहे हैं, देखते हैं इनसे थोड़ी बातें वगैरह भी करते हैं और इनको दाना वगैरह भी डालते हैं। डाल दिए तो खा लिए। दोस्तों मैं इनको जिस तरह सीटी बजाता हूँ तो ये मुझे जवाब भी देते हैं, ये देखें तो इसी तरह। दोस्तों हम देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, हम चलते हैं अपने डायमंड डफ के पास और हमारी डायमंड डफ के हालात तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और अपने पिंजरे में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम इनसे भी थोड़ी सी बातें वगैरह भी करते हैं और ये बेचारे तो खाने में मसरूफ़ है, बाकी सबको ऊपर फेंका हुआ है और ये अकेली खाने में मसरूफ ही पड़ी है, देखें। देखते हैं हमारी पिंच ने अंडे वगैरह दिए हैं कि नहीं। ओह लो भाई ये बाहर निकल गई, अपनी डायमंड अब हमारी उड़ गई है, हमारी लाली और काली भी खुली है, अभी इसको पकड़ते हैं। अबे मुर्गी मार तो नहीं देगी ना। लो भाई हमारी डायमंड अब ऊपर उड़ गई है, हमारी लाली और काली भी खुली है। तो मैं आपको बता रहा था कि डायमंड अब जो है वो उड़ गए थे, तो दोस्तों हमने उसको पकड़ लिए है क्योंकि दोस्तों देखे इस जगह पर ये जाके बैठ गई थी। तो दोस्तों हमने इसी तरह बहुत ही मेहनत से डायमंड अब को पकड़ा है यार, बहुत ही ज़्यादा यार तो उड़ गई है, हम दो पैर लगाने की सोच रहे हैं और तो डायमंड उड़ गई है यार, और बेचारा वो क्या करेगा खेला। दोस्तों ये उड़ी भी मेरी फीमेल थी और बहुत ही मेहनत से है, हम इनको देख ही रहे थे, हम इनको देख रहे और बहुत ही मेहनत से हमने इनको पकड़ा है। दोस्तों क्योंकि आपके सामने वहाँ जाके बैठ गई थी, फिर उसके बाद नीचे आई है तो इधर आई है, अब उड़ी दोस्तों मेरी डायमंड वाली उड़ गई थी, मैंने कहा लो भाई। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मेरी बैठक में एक सुराख भी था जिसकी वजह से भाग उड़ सकती थी। दोस्तों हमने बहुत मेहनत से पकड़ लिया, हम छोड़ते हैं उसके बाद पिंजरे में, क्योंकि एक तो ये आराम डैश में डैश उड़ जाती हैं, तुम संभाल नहीं सकते भाई इसको, शर्म करो, एक बंद बाहर जा रही है और तुम इसे संभाल नहीं सकते। चलो भाई तुम दाना वगैरह खाओ, हम देखते हैं अपने कबूतर वगैरह को, हम खोलते हैं अपने सबसे पहले अपने कबूतरों को क्योंकि बेचारे बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, इनको हमने दाना वगैरह भी इनकी डाइट वगैरह देनी है थोड़ी सी। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, देखो भाई लो भाई लो भाई, आते ही खाने में मजबूर है आते ही। चलो तुम इतने दाना वगैरह डालो, हम देखते हैं अपने इन कॉकटेल का कॉकटेल क्या कर रहे हैं हमारे, इसी तरह हम चलते हैं सबसे पहले अपने कॉकटेल के पास। दोस्तों इन्होंने इन्होंने अपना दाना वगैरह गिरा दिया है, दाना वगैरह इन्होंने गिरा दिया है, देखते हैं क्या कबूतरी तो अभी अंडों में बैठी है यार, वो हम डायमंड अब जो उड़ गई थी उधर जाके बैठ गई थी यार, अभी डायमंड अब उड़ गई थी तो हमने इसको वापसी इसमें बंद करा, बड़ी मेहनत लगी पकड़ने में, तो यार डायमंड अब उड़ गई अभी बहुत ही मेहनत पकड़ने में लगी है, सुपर है मुझे लगता है आपने तो बड़ी दुआ की होगी, ईश्वर तो पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर मैं यार ये अपना ये पिंजरा वगैरह खोल रहा था ना, इनसे थोड़ी सी बातें वगैरह करा था, इनसे इनकी बातें वगैरह करा था, फिर डायमंड निकल के और इसी तरह बाहर आ गई है, और बाहर आने के बाद उड़ती रही है इधर उड़ती रही है, फिर उसके बाद वहाँ जाके बैठ गई है, वहाँ जाके बैठी है, फिर इधर आई है, मैं जो डर था कि वो इस जगह से बाहर नहीं निकल गए तो फिर अब इधर आई नीचे आई है, फिर जल्दी से मैंने उसको झपट्टा मार के पकड़ लिया है, तो इसी तरह मैंने ऐसे झपट्टा मारा उसे और सामने पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल हाथ आई देखें उसने यहाँ पे, तो अपने काटा मुझे मेरा जो हाथ है थोड़ी सी खाज वगैरह भी लग गई है। तो दोस्तों इसे चला चल सबसे पहले हम चलते हैं अपने
वो जो हम आपको बताया था हम चूहे लेके आए हैं और हम वहाँ फिश वगैरह लेके आए जैपनीज और बैंटन से जो हम बच्चे लेके आए थे हम उनको सरप्राइज था। हम देखते हैं भाई उसको वो क्या कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने उनको हीट देने के लिए जो हमने लाइटिंग का सेटअप किया था हमने उनको इधर लगाया। ये देखें किसी तरह वो खाना खाने में मसरूफ हैं। ये देखो भाई देखो ये वाला बंद कर दिया सही तरह नहीं दिख रहा है इधर। ये देखें ये बैंटन और जैपनीज के बच्चे हैं। ये देखें दोस्तों हम ये हीट वाला बल्ब लगाते हैं ताकि एक घंटा हम देते हैं इनको हीट वगैरह। सिर्फ हीट मिलने के बाद हम इसको छोटा बल्ब लगाते हैं रोशनी के लिए ताकि खाना खा सके। हाँ तो दोस्तों वो देखे के बाद में पेकी के एक तो बिल्कुल बल्ब के पास चिपक के बैठा हुआ है। देखे ओ हो एक और बात भी है अगर पेटी को बंद करके उसके ऊपर रख दोगे ना जल्दी से कपड़ा तो इसमें हीट रहेगी पेटी के। हाँ तो इस बल्ब को एक घंटा हीट देने के बाद हम लगाते हैं छोटा बल्ब। तो दोस्तों अभी इसे इसको हम खाना वगैरह खाने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये खाएगी अपना खाना वगैरह। उसी के साथ साथ हम देखते हैं अपने कबूतरों ने खाना वगैरह खाया ही नहीं खाया। तो दोस्तों इसी तरह आप मुझे सपोर्ट क्या करें हम आपको नए से नए सरप्राइज भी देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपके लिए एक और सरप्राइज भी है उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा और सोचें कि वो सरप्राइज क्या हो सकता है। हम आपको कल इसी तरह आज बैटिंग में और कल इंशाल्लाह आपको हम वो सरप्राइज वगैरह भी देंगे। तो वो सरप्राइज इसको भी नहीं पता कि उसे पता है भाई आपको सरप्राइज अभी एक और सरप्राइज भी है। तो मैं तो बताया था दोस्तों आप मुझे सपोर्ट किया करें मेरी वीडियो पूरी देखा करें लाइक किया करें कमेंट किया करें सब्सक्राइब किया करें। इसी तरह हम आपको नए से नए सरप्राइज देंगे क्योंकि सरप्राइज तो सरप्राइज है भाई हमने तो आपको भी नहीं बताया। आपको पता है सरप्राइज नहीं पता ना आपको तो इसका सरप्राइज भी नहीं पता था नहीं पता था ना तो बस फिर ये अब बड़ी मेहनत लगी थी सरप्राइज में। तो दोस्तों वो सरप्राइज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इंशाल्लाह हम आपको वो सरप्राइज भी दिखाएंगे कि वो सरप्राइज क्या है। आप सोच रहे हैं कमेंट करें वो भी देख लें बहुत स्पेशल सरप्राइज है और शायद आपको पता भी हो कि क्या हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो तोते वगैरह भी है कॉकटेल भी है ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं डायमंड के प्यारे भी हैं माशाल्लाह फिंच वगैरह भी हैं कबूतर वगैरह भी हैं। अब ये जैपनीज और बैंटन के बच्चे जो लेके आते हैं मछू वो भी हैं तीन मेरे पास ये जैपनीज के बच्चे हैं और तीन पेयर यानी मेरे पास जैपनीज के हैं और दो पेयर बैंटन के हैं। दोस्तों इसी तरह मैंने आपको ये दिखाया भी था इसी के साथ साथ मेरे पास कबूतर वगैरह भी है डायमंड डक भी है किस है वो आई नहीं थी बाहर क्या कर सकते थोड़ा सा जरा इसको ऐसे हिला देते ना पीछे से देखते हैं वो बाहर आती है या नहीं आती देखते हैं भाई अंडे छंडे कितने दे रखे हैं भाई जा, एक होगा। देखते हैं अंडे कितने हैं दो दो दूसरा अंडा भी हो गया। दोस्तों ये हैरानी की वाली बात है दोस्तों हम क्या कर सकते हैं आप खुद यकीन नहीं करेंगे यार। ओए आपको यकीन आ रहा है तो दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा बताया था कि मेरी कबूतर काली कबूतर ने अंडा दिया जिसको फोड़ दिया था। उसी के बाद मैंने आपको ये भी दिखाया था कि उसने एक दूसरा अंडा दिया है। मैंने अपने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि दूसरा अंडा भी दिया है। तो दोस्तों हैरानी वाली बात ये है कि तीसरा अंडा कैसे आ सकता है। ओए हो यार हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा तीसरा अंडा कैसे आ सकता है यार ये क्या कर रही है ये अंडा कैसे दे दिया इसने। क्योंकि जो यहाँ तक मैंने सुना था कि कबूतरी सिर्फ दो अंडे देती है अगर एक फोड़ जाए तो उसी एक को उसके ऊपर बैठ जाती है बच्चे वगैरह निकालती है यार ये तीसरा अंडा कैसे आ गया हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे आया। क्योंकि एक अंडा जब फोड़ा उसके बाद दो तीन दिन का गैस लिया था उसके बाद एक अंडा दिया मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था इस भाई को भी दिखाया था हमने तो उसके बाद यार ये दो अंडे कैसे हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों खुशी वाली बात है कि दो अंडे देती है तो मैंने अभी देखा भी मैंने हिलाया है कि दो अंडे कैसे हो गए। हाँ वरना कबूतरी तो एक अंडे में बैठ गई कि एक अंडा तोड़ दिया था। हाँ तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाते हुए आपके सरप्राइज के बारे में बताते हुए देख लिया कि इसने दूसरा तीसरा तीन तीन अंडे चलो ये तो खुशी की बात है भैया मेरे पास जाने का वाली कबूतरी जो बच्चे देगी वो दो बच्चे देगी। चलो भाई हमारे लिए खुशी की बात तो हो गई है अब ये दाना वगैरह तो खा नहीं रही है क्योंकि बाहर तो आ नहीं रही बाकी इसके जो मेरे कबूतर वगैरह वो तो आ रहे हैं तो हम इसी के साथ थोड़ा सा खाना दे देते हैं इसको अंदर अगर ये थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेती है। देखते हैं ये दोस्तों खुराक है मेरे चूहे की खुराक है तो जैपनीज और बैंटन हम इसको इधर दे देते हैं अगर ये खा ले तो क्योंकि अभी अंदर बैठी अंदर तो बाहर भी नहीं आ रही क्या कह रहा है अगर जब तक हमने उसके नीचे ये नहीं रखी ना इसके नीचे जब रखी हाँ, अंडे दिए उसने हाँ, इसके उसके नीचे भी हम नहीं रखते यार उनकी आपस में बनती नहीं है। तो दोस्तों मेरा ये शराजी कबूतरी है और मेरा ये शराजी कबूतर है
इसकी और आपस में बनती नहीं है। ये मेरा सिराजी कबूतर अपनी सिराजी कबूतरी के पास जाता है तो दोस्तों ये कबूतरी इसको मार के भगा देती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं वो देखें भाई। मेरी काली जो मेरी काली कबूतरी का पेड़ लगाया तो दोस्तों कबूतर है वो यहाँ पर आके खुराक खा रहा है। तो दोस्तों ये खुराक है लेकिन इनके खाने की नहीं है क्योंकि मेरे मुर्गी वगैरह के चलो हम थोड़ी सी डाल देते हैं। सर्दी वगैरह ये खुराक गर्म होती है, हमने इनको थोड़ी सी ये भी डाल दी है। और ये हमारी खुराक जो हमारे जैपनीज है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तीन जैपनीज के पेड़ और दो बैमटेन के पेड़ लेके आए थे दोस्तों, उसी के साथ हम इनके लिए खुराक भी लेके आए थे। ये देखें नहीं मैंने उनको दाना वगैरह डाल दिया सारा दिया। ये इनकी खुराक है यानी इनकी ये डाइट वगैरह है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कौन सी खुराक है, अगर आपको पता था आप कमेंट करके बताना क्योंकि इनसे जल्दी बड़े भी होंगे, इनके कल भी माशाल्लाह अच्छे होंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। तो ये खुराक स्पेशल करके बनवाई है। क्या बताओगे इन्हें एक बार फिर बता दें, अगर ये भूल रहे हैं तो कि हम उसको हीट देने के लिए सिर्फ एक घंटा लगाएंगे 100 वाट का बल्ब जो होता है। अच्छा, और एक घंटे के बाद वो जो छोटा 0 साइज का बल्ब होता है ना, फिर वो रोशनी के लिए लगा देंगे ताकि खाना खा सके। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ ही है, हमारा एक घंटा इस तरह से पूरा हो जाता है तो हम इसको छोटा बल्ब वगैरह लगाएंगे और इसके बाद इसको हम उठा के जहाँ इसको हम रखते हैं अपने रूम के अंदर क्योंकि ठंड बहुत होती है, छोटा बल्ब लगा देते हैं और इसे इसमें रहती है। हम इसको कपड़े से अच्छी तरह लेट कर रख देते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। दोस्तों हम इन हर हम अपनी हर व्लॉग में भी वीडियो भी हम यही करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्दी बड़े होंगे, अगर जितने बड़े होते रहेंगे आपको भी पता लगता रहेगा, फिर हम आपको भी दिखाते रहेंगे व्लॉग में आपको यानी सब दिखाएंगे कि ये बड़े हो रहे हैं किस तरह हो रहे हैं। अब आप दुआ करें तो दोस्तों आपके लिए एक और सरप्राइज़ भी है, हमने एक और सरप्राइज़ प्लान किया जो मेरे छोटे भाई को भी नहीं पता क्या सरप्राइज़ है। दोस्तों आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप भाइयों सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट किया करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितने जितना मुझे आप सपोर्ट करेंगे उतने अपने नए फ्रेंड लेके लेके आए मेरे दोस्तों। हमने इस बैठक में अपने सारे चीज़ों का सेटअप बनाया हुआ है तो ये यहीं तक खोलते हैं। अभी हमने ये फिलहाल के लिए यहाँ रखा हुआ है तो हमने अपने सेटअप जो हमारे बैठक में रखा हुआ हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने बाहर फैन में। ठंड यार बहुत ही ज़्यादा इसलिए हम फैन में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों आप भी एक जगह पर वीडियो देख देख तंग आ जाते रहेंगे। इंशाल्लाह आप दुआ करें, थोड़ी सर्दी कम होगी तो हम फैन में रखा माशाल्लाह बड़ा सेटअप बनाएंगे जो आपकी सपोर्ट वगैरह भी करेंगे, जो आप सरप्राइज नए से नए सरप्राइज भी देंगे। तो दोस्तों हम नए से नए सरप्राइज भी देंगे तो इन सबको हम बाहर शिफ्ट करेंगे, शहर में एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे और यानी अच्छा हम सेटअप बनाएंगे। तो दोस्तों हम सब सेटअप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।